तो आज हम बात करने वाले रियल नंबर के PYQ सीरीज में। ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर रखे हैं PYQ, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, SCF ये दिया हुआ है और LCM ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो फार्मूला हमें मालूम है कि SCF और LCM का जो मल्टीपल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ अदर नंबर, ठीक है। तो एक नंबर हमारे पास ये है, दूसरा नंबर ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इन SCF और LCM के बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। SCF हमारा गिवन है, LCM हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, दोनों नंबर क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों को बराबर करके हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये 6 को हम नीचे ले आएंगे और कैंसिल आउट कर देंगे, 6 × 6 = 6, 6 × 5 = 30, और यहां पर 3 आया, 6 × 6 = 36, और इसको हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको करना होगा इस मेथड से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए, 2018 में आया है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना है, इरेशनल नंबर इसको प्रूफ करना है। तो पहले ही वाले की तरह हमें क्या करना है, इसको हमें ए और बी के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में करके कंट्राडिक्शन मेथड लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक हमने कंसेप्ट आपको ये बताया था बेटा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, इसको हमें सेपरेट करना होता है, इसको हमें √2 को या √3 को, जो भी वैल्यू आपको दी जाती है, उसको हमें सेपरेट करना। तो जब हमें सेपरेट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा 5 + 3 √2 दिया हुआ, तो हमें सबसे पहले 5 को हमें ट्रांसपोज करना होगा। जब हमें ट्रांसपोज करना होता है तो साइन हम चेंज कर देते हैं दूसरी तरफ ले जाते वक्त, ठीक है। तो 5 जब इधर आएगा ट्रांसपोज होके तो -5 हो जाएगा। अब ये बचा √3 बचा। अब हम 3 को क्या करेंगे, 3 किसके साथ है, मल्टीप्लीकेशन के साथ है √2 के, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। 2018 में आया है क्वेश्चन, अब हमने इसको क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहां पर सॉल्व करके ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, इस तरह से कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व कर देंगे कि √2 जो है इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि फाइंड SCF और LCM पता करना है, किन दो नंबर का, 404 का और 96 का, और फिर वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि किस तरह से, यह वाला जो फार्मूला हमने बताया उसी तरीके से, SCF और LCM का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, दो नंबर होंगे, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें इंडिविजुअली क्या करना है, LCM और SCF ले लेना है। तो दो नंबर आपको ये मिल गए और SCF, देखिए हमें ऐसे क्वेश्चन पे जो है क्या करना होता है, स्टेप लगाना होता है। स्टेप क्या मतलब क्या होता है भाई, आपके पास एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, ठीक है, और हमें SCF और LCM निकालना इन्हीं दो वैल्यू से, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 404 का ले लिया, 2 × 2 × 101, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर एक नंबर का आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 96 का लेना है, तो हमने पहले ही से सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो छोटी बने और ज्यादा क्वेश्चन में बता सकूं, ठीक है। तो 2 की पावर 5 × 3 है, तो ये हमारा 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। दोनों को हमने क्या करा, हमने SCF निकाला। अब पहला स्टेप क्या था हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में SCF और LCM निकालना। तीन स्टेप में हमें इसको कंप्लीट कराना है, तीन नंबर या चार नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो SCF का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर। लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर क्या है, देखिए लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर, इसमें कॉमन कौन सी चीज है, इसमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है, 101 इन्वॉल्व है और 3 इन्वॉल्व है, तीन नंबर इन्वॉल्व है। तीन नंबर में सिर्फ एक ही कॉमन है, कौन, 2। इसकी भी हमें सबसे पहले क्या देखना है, लोएस्ट कॉमन नंबर देखना है, ठीक है। तो लोएस्ट क्या है, यही है, ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर तो हमें देखनी नहीं है, तो ये हमारा SCF हो गया। ऐसे देखना है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कितने नंबर इन्वॉल्व है इसमें, उसमें हमें लोएस्ट पावर देखनी होती है, बस वही हो गया SCF। LCM में क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, जितने भी नंबर इसमें इन्वॉल्व है, तीन नंबर इन्वॉल्व है इसमें,
प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर ले ली, ठीक है, थ्री इन्वॉल्व है, थ्री नोट डाउन कर दिया, 101 इन्वॉल्व है। अब हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, वेरीफाई करना एस सी एफ और एलसीएम। तो एस सी एफ क्या आया हमारा, चार आया, किधर गया ये फोर को, और एलसीएम हमारा क्या आया 9996। तो बस हमें इतना ही करना है, फोर एस सी एफ आ गया, 9696 एलसीएम आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये जो दो नंबर है उसके बराबर होगा, यही वेरीफाई करना। अगर दोनों बराबर आ जाते दैट्स मीन दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट जो है दी गई है इस तरह से, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो इस तरह से लेंथ ब्रेथ और हाइट के रिस्पेक्ट में इन्होंने दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बना के हमें। फिर पहला स्टेप हमने क्या बताया था, अब इसमें आपको ये बताना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, लॉन्गेस्ट रॉड आपको लेनी है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रॉड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस सी एफ। तो हमें लॉन्गेस्ट रॉड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस सी एफ लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमें तो कम चाहिए, ठीक है, वैल्यू हमें कम चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करा, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया, क्योंकि ये दो यूनिट में दिया है, मीटर में भी सेंटीमीटर में भी, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 850 सेंटीमीटर आ गया और 625 सेंटीमीटर आ गया और 475 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसका 1 by 1 प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं और इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले ही से ब्रेक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि एस सी एफ लेना है, तो एस सी एफ में हमारा क्या होगा, कौन कौन से नंबर इसमें इन्वॉल्व है, 2 है 5 है 17 है। तो कॉमन लोएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, पावर 5 की पावर 2 है, इसमें 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है, तो इसमें लोएस्ट नंबर हम ले लेंगे, यही होगा इसका एस सी एफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसका करा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि 144 कार्टून रखे हैं कोक के, ठीक है, क्वेश्चन हम लिस्ट दे देंगे उसमें देख लीजिएगा, और 90 कार्टून रखे हैं पेप्सी के, ठीक है, और हर स्टैक जो है सेम हाइट का होना चाहिए। स्टैक का मतलब क्या होता है, ऐसे रखना है इसको, इस तरह से सजाना है, ठीक है। तो ये बनाना है, पूछा है कितने स्टैक बनेंगे, ठीक है, सेम ड्रिंक के कितने स्टैक बनेंगे, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द कार्टून स्टैक, समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा सबसे ऊंचे कितने कार्टून बनेंगे, ठीक है, कितने स्टैक्स बनेंगे, समझ रहे, कितने कार्टून हमें रखने पड़ेंगे 1 by 1 कि इतना स्टैक बने, ठीक है। तो आपको ये देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 144 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ये हो गया, तो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है, ठीक है, और 90 को भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दिया। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों नंबर से वैल्यू कम ही लानी है, ठीक है। तो हमें क्या बताना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून स्टैक, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें लोएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, ये वाला। देखिए लोएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, ये वाला, इसमें 90 में 2 की पावर 1 है और इधर 2 की पावर 4 है, तो हमें सिलेक्ट किसको करना है, इसको करना है, क्योंकि हमें तो एचसीएफ निकालना है, तो ये 2 की पावर 1 ले लिया। इधर इसमें कौन सबसे लोएस्ट है, 3 की पावर 2 है और इसमें भी 3 की पावर 2 है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये याद रखना, दोनों में कॉमन नंबर वाले में लेना है, तो एस सी एफ हो गया ये हमारा 80, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आपका बना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लिए। इसमें इन्होंने कहा है कि एस सी एफ ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, ये एक फॉर्म बन रही है। अगर हम इसका एस सी एफ लेंगे, इन दोनों का एस सी एफ लेंगे, क्वेश्चन समझिए, इन दोनों का एस सी एफ लेना है, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। फाइंड M, M की वैल्यू पता करना है और LCM भी पता करना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया, ये दो वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसका SCF निकाल दिया, SCF क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, ये है 13, तो ये हमारा SCF हो गया। इसको किसके बराबर रखना है, इसके SCF को किसके बराबर रखना था, इसके बराबर रखना था, 13 जो है
इसके बराबर हो गया 65m-117। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू इधर जाके निगेटिव वैल्यू हो जाएगी और इससे एड हो जाएगी, तो 130 आ जाएगा। 130 को हमने 65 को हमने 130 से डिवाइड कर दिया, आंसर m की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। ठीक है, तो जब हमने m की वैल्यू 2 निकाल दी, अब इसका हमने लास्ट में LCM भी ले लेना है। ये LCM आपको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू।